मौजूद आया गर्ल्स हाई स्कूल के कैंप में जिते तकरीबन 40 ना मत फैमिली रही जैमें नंढड़ा बार थोड़ी औरतू उनवा केंद्र न्याणियों कल इन स्कूल में पानी निको अज वरी यह सूरत हाल है जो अस तेखारींदा त अज वो पानी वरी वापस रिवर्स तो है इतने शदीद किस्म मच्छर को स्प्रे वगैरह न तो है बन कैंपवार एहतजाज किया नेशनल हाईवे उन खोड़ सारा सवाल उठा उन कैंप के संभाली मर्द वागर जो बिन सिंधियों का सूरत दिसा तो असि भेण की शबाना तो आउं चुनो अदी के औरत न चेजे पर मर्द चेजे उन्हीं का कैंप के बारे में पुछंदा एहतजाज के बारे में पुछंदा जो मान ती सही जान पहुंची सके मसला सही है या ही गलत जे शूं असि ईमानदारी से कोशिश करा सभी मान ती पोचा अभी पेरी गल ये कैंप में मूँ वेटा ये तहलकार या माइट माइट को पीरजादे पाड़े का थोड़े ही परे इनोठ है बाटड़ा बिरादरी जो कुछ वरी कुनानी से वेठा माठी मशहूरी पंजाबी शेख रहन था साधो सलाम है बाकी तो सब अस नव ही हुआ जिनमें इतने आया हुआ रोड मिला तो मन सियासी को मकसद हो या सहूलत की खोट हुई या इंतजाम की खोट हुई यह गलत गाल है असो रोड ब्लॉक किया वो सियासी का सोच हुई या सियासी को प्रोपेगेंडा अस ये जी मेल रोड ब्लॉक किया तो इंतजामिया वारन जो या मेडिकल वारन जो इशू हो तो मेडिकल वारन असा का भी सहूलत कान दिनी बार बार डी एच ओ साहब के एम एस साहब के तुम्हारे तो पानी बीछल है उन लाबानी कर स्प्रे करा पानी बीछल है डी एच ओ साहब के तो पानी कटाओ पानी कटाओ केमिकल छो स्प्रे करा ताकि बार मच्छर का बची सकन पर उन बार बार चवण के बावजूद जो है असि कें गाल ध्यान को बार बार विजिट थे सिर्फ नाले जहाँ हा फला अचे तो वी अचे तो जैसे उनो नुकसान थो तो कैंप के संभाली पे पान के यो को मुख्य को इंचार्ज कर रखो तो नहीं अच्छा सिर्फ यो हो तो खुदा के वास्ते इंसानियत के नाते अस इन हमदर्दी ला गए तो असि सुणप वा अस शहर जहाँ मानू मुश्किल वो बुधा वेठा उन हिसाब से अस गया तो जैसे इनो जवान मानू जो लाश कटी आयो तो लाजमिया अस के उन गए दुख में छो तो दुख अग ही है उन घर में पानी बीठो है जो उनके तकलीफ आई है तो असा तो उन नौजवान गाल गलत है अस खुद जो उनके तकलीफ थी तो बहर खी आया तो हाँ भी उनसे गुस पा तो उन्होंने टे चार मूल जो शायद दिना तो जिंदा हो अस जी मेल हॉस्पिटल में खड़ी पौता तो उन को सा जेस तीन डॉक्टर डॉक्टर के बस को चाहिए तो उन का गलती कई है या का इंजेक्शन लगे वो जैसी रश में हो अकेो डॉक्टर हो हॉस्पिटल में सब अको डॉक्टर हो वो जैसी उन रश वाले मरीजन के थोड़ा चेक कर आयो तो असो मरी चुके उन घड़े ऑक्सीजन की शूं चाड़ी पर कुछ को इन में दो है जे सुबह जो उनको चेकअप किया डॉक्टर कर सुबह जो वो डॉक्टर पैरिया पेशेंट के डॉक्टर के दिखारा भी वो हॉस्पिटल में यो हो तो उसे उन्होंने सिर्फ एंटीबायोटिक चुकी हुई है तुम तो कम है कि एक मूँ के नॉमिनेट करो जो जो बीमार हो पा भी हुस मंसूर साहब पे चीफ मोकिले तो जो है डेली बेसिस अस तक जरूरत होंगी ज
जो अस्पताल ना आए स्टोर तक वी अची बुधे पी ठीक है तक जहाँ भी दवा खपे जो मुतमिन ना आज स्टोर तक वी अदी शबाना मोकड़े थी हे डॉक्टर साहब सुबह जो वेचारे छह बजे उतरल सजी फील्ड कर पास कहते क्या तकलीफ होने टाइम बेटा आप ऐसा करें यहाँ पे जितनी भी बैकग्राउंड वोमेन है वो सारे नाम लिखते हैं और वो डेटा आपके पास है उनको जरूर चेक करें ए एन सी के हिसाब से। अच्छा अपने साथ एक वैक्सीनेटर को भी ले आए वैक्सीनेटर जो है वो इनके बच्चों की वैक्सीन करें चलो अच्छा जी वैक्सीन ले भाई। अच्छा दूसरा ये हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो भी स्क्रीन लेना है अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसकी भी ट्रीटमेंट शुरू करा दें ये 5-10 मिनट लगते हैं आप तो मैं आपके साथ टेक्निकल एक बंदा भेज दूंगा वो आपके साथ होगा इसका नहीं कि वो हेपेटाइटिस बी सी और ये सारी स्क्रीनिंग जो भी है मलेरिया की तीन चीज़ें वो खुद करेगा ठीक है। हाँ रात जैकी कुछ तो अल्लाह जी रजा आऊँ जो मतलब कहने का अफसोस है हिंसर मत मरीज आज उनकी हालत अभी ख़राब है उन्हें मिली कैसे रेफर था कर मोदी को बुझा उन्हें मिली कैसे रेफर था कर हैदराबाद उते तक जेका सपोर्ट खपंदी आऊं तक ठीक है ना छोटा रहते रखन जेड़ा कोन हां समझा तो नहीं रखन जेड़ा कोन सब समझो रखन जाना केर वो गाड़ी पेट्रोल 5,000 तक ॾियूं था तव्हां थैंक यू।